और मैं जानना चाहता हूं कि इस टाइम पे तुम्हें डीमोटिवेशन फील हुआ था कि नहीं, कि कुछ अनसर्टेनिटी तुम्हारे भी तुम्हें भी लगता होगा कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है बहुत कि नहीं, ज्यादा। मैं जो कर रहा हूँ वो प्रॉपर है कि नहीं। तो इस टाइम पे तुम कैसे मैनेज करते, खुद को कैसे मनाते थे कि नहीं मैं मुझे करनी चाहिए, एफर्ट्स डालता हूँ, रैंक आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं, क्योंकि 292 बहुत अच्छा रैंक है फर्स्ट अटैम्प में, और मैंने अभी तक देखा है मतलब, पर वो लोगों ने बहुत अच्छे भी क्लासेस लगाए थे और वो मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी स्टूडेंट थे। तुम ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, मतलब तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो प्लेसमेंट में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, फिर भी तुम अगर रैंक लेके आए हो तो तुमने कुछ अच्छी चीज़ें करी है, वो अच्छी चीज़ें बताओ। डिमोटिवेशन तो बहुत हुआ था, और डिमोटिवेशन सबसे ज़्यादा हुआ था मुझे गेट से अराउंड 1 1.5 वीक बिफोर। क्योंकि मैंने तब क्या करा था कि मैंने एक्चुअली क्रिएट्रिक्स के वो दिए थे, टेस्ट सीरीज दे रहा था मैं उस टाइम पे। एंड सडनली मैंने, मेरी दोस्त थी मेडिजी में, तो उससे मैंने बोला कि यार अपने एक टेस्ट दियो, क्योंकि उसके बहुत सारे रह रहे थे और उसको भी पता था कि यार मेरे पूरे नहीं होंगे, उसने 2 साल के एक्चुअली ले रखे थे। तो मैंने कहा यार दिखाइयो, मतलब मैं उसका एक टेस्ट देता हूँ। तो मैंने जब टेस्ट दिया तो मेरे अराउंड 35 नंबर आया उसमें 100 में से। तो मैं ऐसा हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और ऐसा भी नहीं था कि वो मतलब रैंक अच्छी आई हो, कि सबके ही खराब नंबर है। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब क्रिएट्रिक्स को थोड़ा रुकता हूँ, देखता हूँ कि या तो मेडिजी का लेवल बहुत अच्छा होगा फिर क्रिएट्रिक्स से। बट फिर मैं गया, मेडिजी के 4 टेस्ट सीरीज का वो आता था, क्या बोलते हैं, फाइनल पैक आता है कुछ ऐसा करके, तो वो मैंने लिया। एंड लगातार 4 टेस्ट में मेरे 50 से कम नंबर आए। पहले 2 में 35 38 आए थे, एंड फिर 45 और 44 आए थे, ऐसा आया था। तो तब मेरा हो गया था कि यार, जब मेरे 38 के आसपास आए थे, अच्छे से मैंने रिवाइज करके सब कुछ दिया था, तो फिर जो डिमोटिवेशन था उसका लेवल अलग था। मैं ऐसा हो गया था कि यार क्या होगा अब। बट फिर वो मतलब इतना क्लोज होते हैं हम जनवरी में, कि फिर हमारे दिमाग को यही बोलना होता है कि ठीक है, अब मैंने अच्छा जितना करा है अच्छा करा है, ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को बार बार बताना कि हाँ यार मैं अपना बेस्ट दूंगा, फिर चाहे मेरा IIT में होता है, चाहे मेरा NIT में होता है या नहीं होता है, मैं तो अपना बेस्ट दूँ, अपने आप से तो सेटिस्फाई हूँगा कम से कम। क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं होती फिर अपने अंदर, अगर आप बीच में छोड़ोगे तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगे कभी भी उस चीज़ से। तो अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद जो होता है वो तो काफ़ी चीज़ें यार एग्ज़ाम में तो लक पे भी डिपेंड करती है, कि क्या उस दिन क्या सिनारियो है, घर में क्या सिनारियो है, क्या मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे क्या हो गया एकदम से, या फिर कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो अपना बेस्ट दो वहाँ तक के लिए प्रिपेयर करो, फिर ठीक है जैसा होता है। और मैं तो यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाके तो बुक बिल्कुल भी मत खोलना। मतलब मैंने देखा है लोगों को, मेरे सामने ही एक ने करा था ऐसा, और उसका मतलब उसकी मुझे लगता था कि मेरे से बढ़िया प्रिपरेशन है, और वो मतलब मुझे लग रहा था कि वो बहुत पैनिक कर रहा है उस टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि हम 2 2.5 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। और ही वॉज लाइक कि चलो यार मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ पूरा। मैंने कहा ठीक है तू कर ले, मैं गाने सुन लूँगा, मैं आराम से चला गया। तो वो चीज़ मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे ही आप एक चीज़ देखोगे, एक चीज़ पढ़ोगे, आपको ध्यान आएगा अब यार कंट्रोल सिस्टम का वो फॉर्मूला क्या था, जबकि आपको याद होगा बट दिमाग में आएगा। और फिर कंट्रोल सिस्टम से कब आप EMFT जाओगे, EMFT कम्युनिकेशन जाओगे, और सारी चीज़ें फिर मिल जाएंगी, पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है असल में, क्या आता है। बस अपने आप को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ठीक है यार कर लूँगा, अब जो होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपना ज़्यादा मतलब बेस्ट यही है कि अपना अपना आप 100% दे दो, उसके बाद जो होता है वो तो रिजल्ट देख लेंगे मेनली। और तुमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि वो सिर्फ एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में नहीं, एग्ज़ाम से मतलब पहले नहीं, लास्ट वीक में भी बहुत सारे बच्चों को ना ये प्रॉब्लम होती है, जो पढ़ा भी होता है वो भूल जाते हैं, वो इसलिए भूल जाते हैं, मैं बताना चाहता हूँ ये पहले ही, क्योंकि तब आप 10 सब्जेक्ट एक साथ पकड़े हुए हो और उसमें से एक एक चुन रहे हो ना, तभी आपका दिमाग कहीं दूसरे जगह अटका अटका हुआ है, कहीं ना आप सोच रहे हो एक एक चीज़ के बारे में, पर आपने कहीं ना कहीं दिमाग से हर चीज़ पकड़ी हुई है, तो जिस वजह से एफर्ट्स प्रॉपरली लग नहीं पा रहे उस टाइम पे उस चीज़ पे, पर जब भी पेपर आएगा तुम्हारे सामने तब वही क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना होगा ना, तब तुम्हें रिकॉल कर पाओगे वो सारी चीज़ें, और तुम्हारा लास्ट टाइम होगा वो रिकॉल करने का, इसलिए तुम्हें इतना कुछ प्रेशर भी नहीं होगा। तो एग्ज़ाम का दिन मुझे लगता है सबसे आसान दिन होता है, मतलब एग्ज़ाम का दिन मतलब जब एग्ज़ाम में होते हैं तब तब प्रेशर भी फील नहीं करते एक्चुअल में कोई,
डीमोटिवेशन फील करने का भी टाइम नहीं होता। लोग उस टाइम से लेके अभी डरे हैं कि मैं उस टाइम को कैसे फेस करने वाला, पर वो सबसे आसान दिन है राइट, क्योंकि तभी तो कुछ भी फीलिंग आती ही नहीं, हम ऐसे ही बैठे होते हैं। अगर तुमने कोई प्रिपरेशन करी नहीं है कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं, तो बात अलग है, तुम बैठ के सोचोगे कि मैंने एक साल वेस्ट कर दिया, वो सारी चीज़ें होगी वो अलग बात है। पर अगर तुमने प्रिपरेशन करी है और तुम्हारे पास बहुत कुछ है लिखने के लिए, तो तुम उसी में बिजी हो जाते हो, तुम्हारे पास कुछ और बचता ही नहीं है। और एक चीज़, जैसे कि तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को रिविजन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसने फेस करी होगी, उसने आदत बनाई होगी मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट में कि मुझे सारे सब्जेक्ट एक बार रिकॉल करता हूँ अपने तरफ से, पर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया उस दिन। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक मॉक टेस्ट से पहले कितने सब्जेक्ट्स रिवाइज करने चाहिए, या फिर रिविजन से कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? मतलब मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि आप जितने में कंफर्टेबल हो आप उतने कर लो। अपने कंफर्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखना, क्योंकि मतलब उस दिन का कंफर्ट राइट। आपको क्या मतलब लास्ट में तो मैं किसी को ये बोलूँगा, मतलब मेरा ये मानना है कि किसी को रिवाइज नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा लास्ट के दिनों में। लास्ट के 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना दे किसी भी चीज़ पर, ठीक है? ऊपर से देखना है देख लिया 2 दिन पहले, उसके बाद फिर थोड़ा हो जाओ कि ठीक है अब मैंने पढ़ा है 1 साल, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और फिर चले जाओ कि ठीक है यार अब जो होगा मैं अच्छे से करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा, जितना याद आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, अगर और सोचूंगा तो और खराब ही होगा मेरा, केवल कोई अच्छा नहीं होगा उससे। और एक चीज़ है कि मतलब किसी एक की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से या फिर मतलब इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है, उनसे पॉइंट्स लेना बहुत अच्छी बात है, बट कॉपी करना बेकार, कॉपी तो बहुत ही बेकार है। मतलब मैंने बहुत वीडियोस देखी थी, मतलब मैं काफ़ी टाइम पास करता था, टाइम वेस्ट करता था बोल सकते हैं इन चीज़ों में, कि मतलब बहुत सारी वीडियोस देखी थी मैंने, आपकी वीडियोस देखी थी मैंने, एक शिवम डाबिर हैं उनकी वीडियो देखी थी, ढांडे सर हैं उनकी वीडियो देखी थी, फिर क्रिएट्रिक्स के अंकित गोयल जो हैं उनकी वीडियोस देखी थी कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैं खाली टाइम में देख लेता था, ऐसा नहीं है कि मैं केवल पढ़ता रहता था, मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, मैं स्पोर्ट्स जरूरी है, जरूरी है। और वो बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए खासकर था, क्योंकि मैं नहीं रह सकता कि मतलब मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है तो मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता, वो मैं देखूंगा ही, अगर मेरी फेवरेट टीम का मैच है तो मैं देखूंगा ही, चाहे मेरा कुछ भी हो रहा हो उस टाइम पर, टेस्ट चल रहा हो चाहे कुछ चल रहा हो, वो मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो मैं काफ़ी वीडियोज़ देखता था, उनके वो पॉइंट लेता था जो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने नहीं लिया था कि आई गेस CSK, मेरे 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 वीडियो से कौन सा पॉइंट लिया नहीं था? मेरे वीडियो से कौन सा पॉइंट नहीं लिया था वो बताओ। मुझे एक्चुअली याद नहीं है, एक याद है मुझे रविंद्र बाबू रघुला थे तो उन्होंने एक बताया था कि कॉलेज स्टूडेंट्स को कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि यार 1 साल है तो आप ऐसा कर सकते हो कि सुबह बहुत जल्दी उठो, 4 बजे उठो और फिर अपना काम करो, कॉलेज से पहले पढ़ो फिर कॉलेज जाओ, फिर कॉलेज से आओ पढ़ो और फिर मतलब जल्दी सो जाओ, 10 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ, ऐसा कुछ सीन था, या फिर 11 बजे सो जाओ। तो वो मैं नहीं कर सकता कभी, मुझे पता है, मुझे अपना बॉडी पता है, मुझे अपना शेड्यूल पता है कि अगर मुझे 6-7 घंटे 8 घंटे मैंने नींद नहीं ली है तो मैं नहीं काम कर पाऊंगा कोई भी हो जाए। तो वो पॉइंट मैंने उसी टाइम डिस्कार्ड कर दिया था कि ठीक है आगे का सुन लेता हूँ बट मुझे नहीं चाहिए ये वाला, ये वाला चीज़ मैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में नहीं रखूंगा। वैसे ही हर हर टीचर का वो पॉइंट लिया मैंने कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ तो ये कर लेता हूँ। जैसे किसी ने भी, अगर किसी ने भी बोला कि यार जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम्हें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो मैं वो पॉइंट नहीं लेता था कि ठीक है ये तो मैं नहीं लूँगा, अपना कोई जो भी उनका अच्छा बेस्ट पॉइंट मुझे लगता था। जैसे किसी ने बोला कि हाँ शॉर्ट नोट्स बनाओ फिर माइक्रो नोट्स बनाओ, तो ये अगर पॉइंट आया तो फिर मैं ज़रूर लेता था कि हाँ शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं फिर माइक्रो नोट्स क्या होते हैं, फिर वो बताते थे उनकी वीडियो होती थी किसी भी चीज़ पर तो वो देखी, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, तो वो वाले सारे पॉइंट लिए जो मैं कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकता वो नहीं लिए। तो अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप रिविज़न का भी देखो, क्योंकि जैसे देखिए मैंने मैंने बताया कि मैं माइक्रो नोट से पढ़ता था सारे सब्जेक्ट, शॉर्ट नोट से पढ़ता तो मैं रिवाइज नहीं कर सकता था एक दिन में कभी भी, माइक्रो से मैं कर सकता हूँ। वैसे ही मैंने अपने दोस्त को बताया अभी जो आपकी स्ट्रेटजी थी वो वाली जो पिछली वीडियो की थी, रिवीजन कैसे करनी है, 2 सब्जेक्ट पर डे फिर 2 सब्जेक्ट हर रोज होना चाहिए, तो उसने कहा यार ये बेटर लग रही है मुझे, तो बढ़िया है, अगर आपको वो बेटर लग रही है आप वो करो, अगर आपको
दूसरी बेटर लग रही है आप दूसरी करो। मतलब मेरा ये मानना है कि अपने कंफर्ट को देखो कि हाँ यार इससे मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन में नहीं आऊँगा, तो वो फिर आप फॉलो करो मेरे हिसाब। और तुमने कही ना कि तुम किस कैटेगरी में आते हो, मैं बता सकता हूँ लोगों को। जिन ये ऐसा इंसान है जिसके मेन नोट्स उसके दिमाग में है, अच्छी खासे दिमाग में है फिट, और उसके शॉर्ट नोट्स भी दिमाग में अच्छे खासे फिट है, कहीं ना कहीं उसने बहुत बार रिवाइज करा हुआ है, तो इसलिए उसका माइक्रो नोट से काम चल जाएगा, उस पर कॉन्फिडेंस था वो, इसलिए उसने करा। और उसे ये भी कॉन्फिडेंस था कि ये माइक्रो नोट्स एक दिन पहले भी आसानी से कर दूंगा, इसलिए उसने करा। अगर आपको लग रहा है कि आप आसानी से नहीं कर पाओगे, तब मेरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। अगर आपको लग रहा है आसानी से कर पाओगे, तो इसकी भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। तो हर इंसान को पता होना, उसी को तो कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, की हर जगह से बेस्ट चीज़ लो और अपने अपनी एक ऑप्टिमाइज स्ट्रैटेजी बनाओ जो आपके लिए काम करेगी। किसी एक इंसान का स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए आइडियल है, तुम्हारे लिए नहीं है।